इंडियन नेवी को दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेना में से एक माना जाता है। नौसेना के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत मौजूद हैं, जो समुद्र में देश की शक्ति प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ाते हैं। अपनी इसी क्षमता को परखने के लिए नौसेना आज से 2 दिवसीय अभ्यास कर रही है। भारतीय नौसेना ने आज से सी विजिल 2024 अभ्यास की शुरुआत कर दी है। अपनी समुद्री सुरक्षा की तैयारियों को धार देने के लिए ये अभ्यास पूरे देश में किया जा रहा है। नौसेना के अधिकारियों के अनुसार 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी इस अभ्यास में 16 केंद्रीय और राज्य एजेंसियां भाग ले रही हैं। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है। नौसेना के अनुसार इस अभ्यास में तटरक्षक बल, बंगाल पुलिस, राज्य मत्स्य विभाग, नौवहन बंदरगाह और जलमार्ग विभाग, वायुसेना, BSF सहित राज्य एजेंसियां शामिल हैं। इसके अलावा NCC भी पहली बार इस अभ्यास में भाग ले रही है। बता दें कि सी विजिल अभ्यास 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद 2019 में शुरू किया गया था। यह इसका चौथा चरण है। यह अभ्यास बंदरगाहों, तेल रिंग, केबल लैंडिंग पॉइंट और तटीय आबादी की सुरक्षा सहित तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। बंगाल में नौसेना के प्रभारी अधिकारी कोमोडोर अजय यादव के अनुसार पूरा अभ्यास नौसेना स्टेशन कोलकाता में संयुक्त समन्वय केंद्र से संचालित किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और अन्य एजेंसियों के कई जहाज और विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास के प्रारंभिक चरण के दौरान NOIC बंगाल द्वारा विभिन्न समन्वय बैठकें भी गईं, जिनमें विभिन्न एजेंसियों ने तालमेल बढ़ाने और संपूर्ण तटीय सुरक्षा के लिए भाग लिया। नौसेना के अनुसार इस अभ्यास में 11,000 किलोमीटर से ज्यादा समुद्र तट और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आर्थिक क्षेत्र को कवर किया जाएगा। यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अभ्यास सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की वर्तमान तैयारियों का आकलन करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही ये उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और राष्ट्र के समग्र समुद्री रक्षा ढांचे को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।